नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में कथित लव जिहाद के मामले के विरोध में जैन समाज ने रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ब्रह्मचारी विनय जैन ने लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात कही। इस रैली में जैन समाज के साथ सामाजिक संगठन और हिंदूवादी संगठन भी शामिल हुए। गौरतलब है कि मूंगावली से जैन समाज की युवती को मोहम्मद आदिल बदला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। युवती का हैदराबाद में धर्म परिवर्तन कराया गया और आदिल ने उसका नाम आबिदा बेगम रखते हुए निकाह कर लिया। वर्तमान में युवती नारी निकेतन ग्वालियर में है, जबकि मोहम्मद आदिल जेल में बंद है। जैन समाज ने युवती को वापस परिजनों को सौंपने की मांग करते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये धर्म परिवर्तन की रैली निकाली जा रही है, जिनमें सकल जैन समाज की एक बिटिया को मुसलमान समुदाय की एक लड़के ने अपने वश में करके उससे शादी का निकाह किया है और उसी के विरोध में आज जैन समाज में ये धर्म परिवर्तन को लेके आज गुलबाग में एक गुलबाग मैदान में इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद यहाँ से आज एक सामूहिक रैली निकाली है, जिनमें जैन समाज के साथ और भी अन्य समाज की संगठन इस रैली में शामिल है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।